हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई न्यू नंबर से मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, तो यदि आप वो नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से वो नंबर सेव कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि आपके पास कोई न्यू मैसेज आता है या न्यू संदेश या कुछ भी आता है आपके पास, तो उसमें न्यू नंबर रहता है, तो वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप में सेट हो जाता है। बट वो हमारे यदि हम उस पर कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं रहता है, जिससे कि हम उसे कॉल नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप से ही कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज और कहीं से कॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप उस कॉन्टैक्ट को अपनी उस नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो यार फटाफट से चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको बताएंगे कि आपको वो नंबर कॉन्टैक्ट कैसे सेव करना है, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, यदि आप स्किप कर देंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा और आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार कॉन्टैक्ट सेव नहीं हो रहा है, नंबर सेव नहीं हो रहा है, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप कृपया करके वीडियो को स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना, सारी जानकारी आपके समझ में आने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने व्हाट्सएप को आपको ओपन कर लेना है, जो कि आपका व्हाट्सएप में जो नंबर आया है तो आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। तो आपको वह नंबर जो आपके पास न्यू आया है, जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, आपको उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये नंबर है, ये मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, इस पर कोई नाम नहीं डला हुआ है, तो मुझे ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना है। तो आपको इस तरीके से इस नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर साइड में, जो कि ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर थ्री डॉट का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ऐड टू कॉन्टैक्ट, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर टू ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, ऐड टू एक्सिट कॉन्टैक्ट। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आप यहाँ से अपना नेम चूज़ कर सकते हैं, जो भी नाम आपको इस पर कॉन्टैक्ट पर रखना है, तो आप यहाँ से कोई भी नाम अपने हिसाब से रख लेना, जो भी आप रखना चाहते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही कुछ आपको बताने के लिए रख देता हूँ, जैसे ही नाम रख लें। इसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो चुका है, यहाँ यह नंबर सेव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो कि हमने सेव किया हुआ है वो सेव हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल में कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है।